पुलिस कस्टडी से फरार आरोपी गिरफ्तार, ट्रक पकड़कर बांग्लादेश भागने की थी तैयारी। कुरार पुलिस स्टेशन की हिरासत से फरार बांग्लादेशी आरोपी को कुरार पुलिस ने दहिसर खेचिक नाका से गिरफ्तार कर उसे आधी रात को तब धर दबोचा गया जब आरोपी पुलिस को चकमा देकर ट्रक पकड़कर फरार होने वाला था। कुरार पुलिस की टीम ने लगातार तलाशी अभियान के दरमियान बांग्लादेशी आरोपी को पकड़ा, उसे कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को पुनः बांग्लादेश भेजने का आदेश दे दिया है। दरअसल कुरार पुलिस स्टेशन की एटीएस टीम को जानकारी मिली थी कि कुरार की हद में कुछ बांग्लादेशी छुप कर रहते हैं। कुरार पुलिस ने जांच करते हुए बांग्लादेशी आरोपी गिरफ्तार कर उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने भारत में अवैध घुसपैठ करार देते हुए आरोपियों के 6 महीने की कारावास की सजा सुना। आरोपी 6 महीने पहले तक जेल में रहा। सजा काटने के बाद एक बार फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत आरोपी बांग्लादेशी को उसके राज्य में भेजने होते हैं। इसी नियम के तहत कुरार पुलिस को आरोपी को उसके राज्य बांग्लादेश छोड़ने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी 13 जून को मौका देखकर पुलिस को चकमा देकर यह फरार हो गया। जबकि कुरार पुलिस स्टेशन के स्टाफ ने 11 मई से लेकर 13 जून तक आरोपी को खाने, रहने, दवा का इलाज एवं हर प्रकार की सुविधा व्यवस्था कर रखी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, समनेस्टल, मुंबई। नवंबर 2022 में हमारे ATC टीम ने एक बांग्लादेशी को अपने इन्फॉर्मर के थ्रू जो मालूमात मिली थी वो जानकारी के इसके अवसर पर हमने उसको पकड़ा था और उसको हमने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। कोर्ट में भी उसका गुनाह साबित हो गया था, उसको सज़ा हुई थी। सज़ा अपनी 5-6 महीने की सज़ा भुगतने के बाद वो 11/5 को, पिछले महीने 11/5 को उसकी सज़ा ख़त्म हुई और वो वापस, उसको डिपोर्ट करना था बांग्लादेश में, इसलिए उसको वापस पुलिस स्टेशन के कस्टडी में दिया गया और हम उसको डिपोर्ट करने तक पुलिस स्टेशन में रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर के साथ उसको संभाल रहे थे। एक 12 तारीख को, मतलब इस महीने के 12 तारीख को वो शाम के वक्त हमारे जो स्टाफ था जो उनको उसकी देखभाल कर रहा था, निगरानी कर रहा था, उनको चकमा दे के वो भाग गया। तो भागने के बाद तुरंत जैसे हमको पता चला, हमने हमारे डिटेक्शन टीम, हमारी ATC टीम, हमारी गुंडा टीम, हमने सबको एक्टिवेट करके बांग्लादेश की तरफ जाने वाली सब हावड़ा एक्सप्रेस, CST, दादर, पनवेल, भुसावल जंक्शन, यहाँ पे हमने अपनी सब टीम भेज दी। उसी तरह से वो जो बांग्लादेशी नागरिक था उसकी कुछ पहचान वाले दोस्त वगैरह मीरा रोड, वसई, विरार, भाईंदर इस एरिया में रहने वाले थे, तो उसके बारे में भी हमको थोड़ी मालूमात मिली थी। वैसे हमने सब लोगों को उधर, अपने स्टाफ को उधर ही भेज दिया था और भेजने के बाद हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि हम उसको ढूंढे। उसी दौरान हमको कल रात को पता चला कि हमारे इस कोशिशों की वजह से उस बांग्लादेशी आरोपी का बाहर जाने के सब रास्ते बंद हो गए थे, इसलिए वो कल रात बाय रोड जो बाहर की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ जो बड़े बड़े ट्रक वगैरह जाते हैं, कंटेनर जाते हैं, उसे किसी की मदद से उसमें एंट्री करके उनके साथ वो भागने की कराग में था। वो इन्फॉर्मेशन हमको मिलने के बाद हमने दहिसर चेकनाका के आसपास हमने अपने पूरे स्टाफ की फील्डिंग लगाई। उसी दौरान सुबह के 3:30 के करीब वो हमको एक ट्रक की आड़ में छुपा हुआ मिला, तभी हमने उसको तुरंत ताबे में ले लिया। और जब वो हमारे पुलिस स्टेशन से भागा था तभी हमने उसके खिलाफ़ और एक गुनाह रजिस्टर किया था उसी दिन, मतलब 12 तारीख को। तो वो केस में हमने उसको कल रात को अरेस्ट करके आज सुबह हमने कोर्ट के सामने खड़ा किया और अभी उसकी पेशी कर दी है। सर, उसके इस तरह से भागने का मकसद क्या, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी एक महीने से लगभग उसको संभाला, फिर अचानक इस तरह से भागने का मकसद क्या था उसका? उसके भागने का मकसद, जब हमने उसको ये भी चीज़ हमने इन्वेस्टिगेशन में उससे पूछताछ की तो उसके पास से हमको ये पता चला कि उसको बांग्लादेश वापस नहीं जाना था। उसकी फैमिली का जो खर्चा वो कर रहा था, उनको जो पैसा भेज रहा था, वो पालन पोषण करने के लिए वो यहाँ पे कुछ छोटा मोटा काम कर रहा था, वो काम को वो छोड़ना नहीं चाहता था। उसी तरह से कुछ पैसा का आमदनी करके अपने घर को चलाने की कोशिश में था, लेकिन उसको बांग्लादेश जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में किधर भी, जैसे किधर काम मिले वो काम करने की वो कोशिश में था।